तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10,000 रुपये के अंदर आने वाले पांच सबसे अच्छे मॉनिटरों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमेश, आप देख रहे हैं टेक यू एम, और इस चैनल पर हम बात करते हैं गेमिंग और टेक के बारे में। तो अगर आपका इंटरेस्ट भी गेमिंग और टेक में है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल को भी दबा दें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10,000 रुपये के अंदर आने वाले पाँच सबसे बढ़िया मोनीटरों के बारे में। तो मैंने पांच मॉनिटरों की लिस्ट बना रखी है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, मैंने एक इन मॉनिटरों की लिस्ट बना रखी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से हैं वो पांच मॉनिटर जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, पाँचवें नंबर पर आता है बेनक्यू की तरफ से आने वाला 23.5 इंचेस का फुल HD मॉनिटर। दोस्तों, ये हमें VA पैनल के साथ देखने को मिलता है और इसमें हमें 16 Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 5 ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ। इसमें हमें 1 VGA पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट, 1 ऑडियो इन पोर्ट और 1 हेडफोन पोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, इसमें हमें 178 डिग्री का व्यू एंगल देखने को मिलता है और इसकी कीमत 8,919 रुपये है। तो दोस्तों, कीमत के हिसाब से मुझे ये मॉनिटर की स्पेसिफिकेशन काफ़ी कम लगी है, मतलब कीमत मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन सेल में आपको ये काफ़ी सस्ता मिल सकता है। अगर आपको ये 7-7.5 हज़ार रुपये के अंदर मिलता है दोस्तों, आप ज़रूर इस मॉनिटर को देख सकते हैं, लेकिन 9,000 कीमत में ये काफ़ी मुझे महंगा लगता है। और दोस्तों, जो भी मॉनिटर मैं बता रहा हूँ, उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और जानकारी आपको सारे मॉनिटर नंबर वाइज। दोस्तों, चौथे नंबर पर जो मॉनिटर आ रहा है वो आता है AOC की तरफ से 23.8 इंचेस के डिस्प्ले के साथ फुल HD है अगेन दोस्तों ये, लेकिन ये हमें IPS पैनल के साथ देखने को मिलता है। तो मतलब इसका व्यूइंग एंगल काफ़ी अच्छे हैं और इसमें हमें कलर भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। रिफ्रेश रेट इसमें हमें 16 Hz का मिलता है और 5 ms का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है। 1 HDMI पोर्ट है, 1 VGA पोर्ट है और 1 ऑडियो पोर्ट है। इसमें हमें कुछ ज़्यादा पोर्ट देखने को नहीं मिलते हैं और इसकी कीमत हमें देखने को मिलती है 8,729 रुपये। तो दोस्तों, ये मॉनिटर मुझे काफ़ी ठीक लगा कीमत के हिसाब से, हालांकि कीमत फिर भी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन सेल में ये आपको काफ़ी अच्छे में मिल जाता है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बजट के तीसरे मॉनिटर की ओर। तो दोस्तों, ये आता है LG की तरफ से 22 इंचेस का फुल HD मॉनिटर। तो दोस्तों, ये हमें IPS पैनल के साथ देखने को मिलता है, अच्छा अच्छा मॉनिटर है। इसमें हमें रिफ्रेश रेट 16 Hz का सेम मिलता है और रिस्पॉन्स टाइम भी 5 ms देखने को मिलता है। इसमें हमें व्यूइंग एंगल्स है 178 डिग्री का देखने को मिलते हैं और 1 HDMI पोर्ट मिलता है, 1 VGA पोर्ट मिलता है, 1 DVI पोर्ट मिलता है, 1 ऑडियो पोर्ट देखने को मिलता है, 1 ऑडियो आउट पोर्ट देखने को मिलता है और 1 हेडफोन पोर्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, हमें इसमें काफ़ी सारे पोर्ट्स भी मिलते हैं और डिस्प्ले साइज़ का थोड़ा छोटा है, वैसे ये काफ़ी अच्छा मॉनिटर लगा मुझे देखने में। इसकी कीमत है 8,419 रुपये। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा मॉनिटर है बजट देखा जाए तो। और दोस्तों, अब हम अपने बजट के दूसरे मॉनिटर की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है सैमसंग की तरफ से आने वाला 23.5 इंचेस का कर्व्ड मॉनिटर। जी हाँ दोस्तों, ये कर्व्ड मॉनिटर है, ये फुल HD और इसमें हमें 1920x1080p का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। और दोस्तों, ये हमें VA पैनल के साथ आता है दोस्तों ये, और इसमें 1 VGA, 1 HDMI और 1 ऑडियो पोर्ट देखने को मिलता है। 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल है और इसमें हमें 16 Hz का रिफ्रेश रेट मिल देखने को मिलता है, बोलता है रिस्पॉन्स टाइम 5 ms, और सॉरी दोस्तों, इसमें 4 ms है, और फ्लो में थोड़ा फाइल निकल गया। और दोस्तों, अब हमारे लिस्ट के पहले नंबर के मॉनिटर की ओर बढ़ते हैं, जो कि मुझे भी काफ़ी पसंद है। दोस्तों, पहले नंबर का जो मॉनिटर आता है वो आता है LG की तरफ से 24 इंचेस का गेमिंग मॉनिटर। और दोस्तों, इस मॉनिटर में हमें 24 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है IPS पैनल के साथ, काफ़ी सही मॉनिटर है। और इसमें हमें 1 VGA पोर्ट देखने को मिलता है, 1 HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, 1 डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिलता है, 1 ऑडियो पोर्ट देखने को मिलता है और 1 हेडफोन पोर्ट देखने को मिलता है। काफ़ी सारे पोर्ट्स दिए गए हैं और इसमें, और दोस्तों आप इसका रिस्पॉन्स रेट, तो दोस्तों अगर आप इसका रिफ्रेश रेट देखेंगे ना, 75 Hz का हमें इसमें रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और 1 ms का हमें रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है, मतलब कि कमाल का मॉनिटर है ये इस बजट में। और दोस्तों, इसकी कीमत है 10,000 रुपये, लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 14 सितंबर को, तो अभी इसकी कीमत जो मैंने देखी है वो है 7,500 रुपये सेल में। तो दोस्तों, और दोस्तों जितने भी मॉनिटर्स मैंने इस वीडियो में बताए, उन सबकी आपको लिंक, बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें,
और आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों अगर आपका कोई भी टेक रिलेटेड या गेमिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिखाई दे रहा होगा। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और अगर